उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब सीएम अखिलेश यादव ने आज से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत सुल्तानपुर से की गई है। सीएम अखिलेश ने यहां एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ 300 सीटें जीतने का दावा किया, साथ ही प्रदेश में अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने नेताजी का घोषणा पत्र लागू किया, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ा, मोबाइल के जरिए लोगों को सरकार से जोड़ेंगे ताकि आम लोगों तक तकनीक का फायदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिएगा, आम बजट में हमारे काम की नकल होगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के पास कोई विकास का रास्ता ही नहीं है। नोटबंदी के फैसले को लेकर भी अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ईमानदारी के धन को भ्रष्टाचार बताकर जनता को परेशान करने की कोशिश की। विकास के नाम पर दिल्ली में झाड़ू पकड़कर योग करवाया गया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि मोदी जी बताइए कहाँ हैं अच्छे दिन। तो यूपी दंगल में आज से अखिलेश ने तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि अखिलेश के साथ राहुल की रैलियों का भी खाका तैयार हो चुका है, दोनों मिलकर 6 रैलियां कर सकते हैं। तो यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव।